पीपल्स पार्टी इरसा एक्ट में तरमीम के रद्द करे छो सिंध में पानी की खोट है जैसे वफाक नजरअंदाज कर रो है। पानी जो मामलो सिंध के जीण और मरण जो मसलो है। एक्ट में तरमीम सा इरसा चेयरमैन वफाक जो मुलाजिम बणजी वो सिंध के बुधन का सिवाय इरसा एक्ट में तरमीम छो पई कई वे श्री रहमान जो सैनेट में खिताब। कौमी असेंबली के स्पीकर पारां पीटीआई के मेंबर के फौरी तौर से आज़ाद करने जो हुक्म। स्पीकर अयाज सादिक आईजी इस्लामाबाद का गुजरल रात के मामले की रिपोर्ट तलब करे वरती। मेंबर के पार्लियामेंट में आंदो वे स्पीकर कौमी असेंबली के आईजी इस्लामाबाद के हिदायत। कौमी असेंबली के स्पीकर जो चवण हो तो बुधा वे तो पार्लियामेंट हाउस अंदर मेंबर के किए गिरफ्तार किया वो। मेंबर की तोहीन ई तजलील बर्दाश्त न कंदुस जल्द आज़ाद किया वे। स्पीकर की हिदायत का इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के आज़ाद किया वो। बड़ी अग एक सूबे के वजीर आला वफाक के हमले की गाल कई सुबह वफाक के हमले की गाल कंदू तो रद्द अमल इंदो ही चवन था तो केपी मां लश्कर घुराए पंजाब ते हमलो कराइंदासी रड़ियों करण बंद क्यों नाटक सा कुछ भी न वरंदो। बचाव वाले वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली के खिताब चयाई ही चवन था तो फौज से गालू करड़ियों पीटीआई के दौर में खेस चार भेरा गिरफ्तार किया वो। अली अमीन गंडापुर के इस्तेमाल कल जुबान से सहाफिन भी एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर दौरान पीटीआई के अली मोहम्मद खान जो गोर। तहरीक इंसाफ मुल्क में नफरत जो बिज पोखो है। पीटीआई के दौर में मुखालफन के इंतकामी कार्रवाई जो निशानो बनाया वो। तहरीक इंसाफ की क्यादत माजी में सबक ना सीखो। माजी में प्रोडक्शन आर्डर वजीर आजम ऑफिस में इंदो हो उनके नाकाम जलसे की कावड़ पांच कारकुन से करण खपे। हाँ इतलात वे वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की कौमी असेंबली में खिताब। पीटीआई बानी मुल्क कौम लाए खतरनाक है खे साजिश तहत आंदो वो। पीटीआई वारा गैर सियासी माड़ू आन। पीटीआई की सोच ए फिक्र तालिबान जड़ो ही है। इदारे हमला कदड़ औरतुन से भी हमला कया। बरसातुन का कब एमरजेंसी की सूरत हाल ना है। कुछ हेठाइन वारन इलाकन में पानी अना बीठल है। सिंध हुकूमत भरपूर नमूने से बरसात मुतासर की वाहुर कई। वे वजीर समेत सभी दौरा कया। हर जिले में इमदादी कार्रवाई शुरू कई वो है। सूबाई वजीर नई ऑफिस रन मुख्तलिफ शहर जहाँ दौरा कया। इंतजामिया मुकम्मल तौर से शहर के रिलीफ फराहम किया। सीनियर सूबाई वजीर शुरू जिले नाम मेमर जो सिंध असेंबली का खिताब। सिंध असेंबली औरतों नई साफिन खिलाफ गुस्सा लफ्ज गलाइंदड़ केपी के वे वजीर खिलाफ ठहराव अक्सरत राय से मंजूर। पीपी के सादिया जावेद असेंबली में ठहराव पेश किया। ठहराव में केपी के वे वजीर खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। ठहराव पेश करने पीटीआई मेंबर जो ऐवान में गोड़ सूबाई घरू वजीर ज़ियाउल हसन लंजार है तो अड़े शख्स के केपी जो वो वजीर न होने घुर्ज। पीपी एम एन ए आसिफा भुट्टो जरदारी यूटिलिटी स्टोर के बंद करण वो मामलो कौमी असेंबली में उथारे छो। आसिफा भुट्टो जरदारी चवे थी यूटिलिटी स्टोर बंद करण से 25,000 का मुलाजिम बेरोजगार थींदा। काबीना यूटिलिटी स्टोर बंद करण जो फैसलो ना कयो तो ऐवान में दस्तावेज पेश करे। वफाकी वजीर राणा तनवीर हुसैन चवे थो यूटिलिटी स्टोर बंद करण वारियन गालियन में का भी सदाकत ना है। यूटिलिटी स्टोर के नए सिर जोड़ की गाल थी। वरे वजीर सैयद मुरादरी शाह से जापान के सफीर वादा मतुसु हीरो की मुलाकात। तरफन लागापन व्यापार बोर्ड दौरान थियल नुकसान के ख्याल की डे वठ। मुरादरी शाह चवे तो सिंध हुकूमत जापान के अंब एक्सपोर्ट करने लाए कदम खड़ी रही है। जापानी सीड़पकारन के सिंध में सीड़पकारी की दावत दियूँ था। जापानी सफीर जो चवण हो तो जापानी सीड़पकार पाकिस्तान में सीड़पकारी कर चाहन था। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी दरख्वास्तन से फैसलो बुधा छो। नेशनल पार्क एरिया में व्यापारी सरगर्मियों बाबत सुप्रीम कोर्ट में केस। मोनाल रेस्टोरेंट लामोना ताला ग्लोरिया जीन समेत बिया रेस्टोरेंट हटाने जो फैसलो बरकरार। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी दरख्वास्तू रद्द कर छ्यू। रेस्टोरेंट्स तरफा रजाकराड़ा तौर 3 महीनों में रेस्टोरेंट्स खत्म करण की खातरी कराई वही। अदालत में यकीन यारण बावजूद नजरसानी दाखिल कर अदालत सा मजाक है। सीजीए रेस्टोरेंट्स के बैन इलाकन में तरजीह बुनियादन ते लीज ते दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते फौरी तौर अमल कयो वने अदालती फैसलो।
मनशियात केस में जवाबदार नताशा की जमानत रद्द थियण बाद सिटी कोर्ट में कारसाज हादसे केस की बुधणी। अदालत जांच ऑफिसर के फाइल समेत तलब कर वरतो। अदालत सरकारी प्रोसिक्यूटर के जमानत वारी दरख्वास्त की कापी फराहम करण जो हुकुम। जवाबदार नताशा की जमानत वारी दरख्वास्त की बुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। सिंध सरकार जो मंशियात बाबत वो फैसलो। सिंध हुकूमत दवाओं की तैयारी ए इस्तेमाल में थींदड़ शयों के विक्रे ते पाबंदी लगाए छी। सीनियर सूबाई वजीर शोर जिलेना मेमर की हिदायतों से कमिश्नर कराची के हुकुम जारी। काट एक्रेलिक शीशे पत्थर प्लास्टिक सेरामिक पाइप बॉक्स से पाबंदी लागू। सीनियर सूबाई वजीर शोर जिलेना मेमर चवे तो पाबंदी सिंध में मंशियात के इस्तेमाल खिलाफ असा जारी जंग में एक अहम कदम है। असो मकसद मंशियात में इस्तेमाल थन्दड़ डिवाइस की दस्तियाबी के रोकड़ है। नई नस्ल के मंशियात की लानत का बचाने लाइ सख्त उपाव वरता वा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमण जी हैदराबाद आमद। आईजी सिंध जी सिंध लायर्स अकेडमी में वकीलन जी तरबियत सेशन में शिरकत। हाईकोर्ट बार जी सदर अयास तुनो खेस वकीलन जी तरबियत बाबत आगाही दिनी। आईजी सिंध पारा पुलिस की जांच ऑफिसरन के तरबियत दियण जी आछ। गुलाम नबी मेमण चवे तो वकील या पुलिस ऑफिसर के सही तरबियत न मिली तो वो खतरनाक बणजी वे तो। ये पुलिस डोहारन की जंग ना है। सोसाइटी में वकीलन जो किरदार अहम है। थाणन से माहौल बेहतर ना तो उनको को फायद ना है। थाने से को मू वे तो उनकी एफ आई आर दाखिल थी वे थी। जांच ऑफिसर उन सबूत के आधार से जांच करे। सिंध के ज़रई साइंसदान पैदावार दींदड़ फसल के बिजन जो नयू वरायटियों ऐजाद कर ज़रात वाले वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत हेठ सिंध सीड काउंसिल जो छठवीं इजलास। नवन जरई बीजन की खासियत जो जायजो वरतो वो। कप कणक सर बे के बारह नये जरई बीजन की वरायटियों की मंजूरी। पंजाब खायल चावर जो बीज सबब सिंध के आबादगार के लखे रुपये जो नुकसान। ज़रात वाले वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर के मामले की जांच की हिदायत।